पूरा साल निकाल दिया ना बिना पटे। ये भी जानता हूँ कि कोई जंग नहीं जीती जाती बिना लड़े। जिंदगी की इस जंग में भी मुझे लड़ना होगा। हाँ, मुझे पढ़ना होगा। कितना आता है, कितना तैयार हूँ। अब कोई फायदा नहीं इन बातों से। दिन भर मोबाइल में लगा रहा, पढ़ा नहीं कई रातों से। जो भी हुआ जाने दो, अब लड़ना है इन हालातों से। ये जो पढ़ाई है ना, उस लड़ाई की तरह है जिसने चाहते हुए पे लड़ना होगा। और इसी तरह जिंदगी की पहली सीढ़ी है पढ़ाई। आगे बढ़ने के लिए पढ़ना होगा, तो उठ पढ़ना शुरू कर। ये मत सोच इतना वक्त बर्बाद किया, जो वक्त तेरे पास बचा है उस पे दे ध्यान। सुबह शाम दिन रात पढ़कर सबको कर दे हैरान। अपने ऊपर विश्वास रख, तू हर सीढ़ी चढ़ सकता है। अपने ध्यान को केंद्रित कर, तू अब भी पढ़ सकता है। अपने आप को किताबों के साथ कमरे में बंद कर दे। मोबाइल सोशल मीडिया सारे यंत्रों से दूर कर दे। यही वक्त है जब ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं, हथियार डाल देते हैं। लेकिन तू एक योद्धा है, एक सच्चा योद्धा है। इसके दाव का अंदाजा अंत्य किसी को नहीं होगा। माँ के पेट से कोई योद्धा नहीं होता। योद्धा बनने के लिए दर्द सहना पड़ता है, कठोर परिश्रम करना पड़ता है, अपने दिमाग और शरीर को ट्रेन करना पड़ता है। इसी तरह से तुम्हें अपने दिमाग मन को तैयार करना होगा। अपने ध्यान को पूरी दुनिया से इकट्ठा करके पढ़ाई पर लगाना होगा, तपना होगा, तब तो कहलाएगा पढ़ाई का योद्धा। एक ऐसा योद्धा जिसको लोग सदा के लिए याद करें। तेरी कहानी सीख देगी कि लोग वक्त बर्बाद न करें। तेरी पढ़ाई की योजना पुस्तकों में छपकर लोगों तक जाए। लोग इस तरह से हर एग्जाम में टॉप कर जाए। अपने आप को तैयार कर लड़ाई के लिए, अपने आप को तैयार कर पढ़ाई के लिए। एक योद्धा वाली सोच को जन्म दे, जो हर युद्ध में अपनी बुद्धिमत्ता सटीक बार से युद्ध का परिणाम बदल दे। ऐसे ही एग्जाम में अपने भाग्य का परिणाम बदलना है। अपने आप को चैलेंज कर, अपने आलस को दुश्मन समझ। अब बना अपनी रणनीति और जीत युद्ध को, तभी कहलाएगा पढ़ाई का योद्धा।